नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज मैं आपके सामने व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनेस्थीसिया लेके आई हूँ। यह रचना द रिंगिंग सिडार सीरीज का पहला भाग है और यह किताब हमें लेखक की साइबेरिया में किए गए व्यावसायिक यात्रा की सूचना देता है। तो आइए जानते हैं हम लेखक और इस किताब के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, यह किताब हमें लेखक की व्यावसायिक यात्रा की सूचना देता है। तो अपने साइबेरिया यात्रा के दौरान लेखक एनेस्थीसिया नामक एक रहस्यमयी लड़की से मिले थे जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उनकी ज़िंदगी इस कदर बदली कि वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी से प्रसिद्ध लेखक में परिवर्तित हो गए। लेखक ने एनेस्थीसिया को रहस्यमयी इसलिए कहा क्योंकि उसको विभिन्न विषयों की जानकारी थी जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेखक एनेस्थीसिया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो प्रकृति में पैदा हुई, प्रकृति से जुड़ी और प्रकृति की ही बेटी थी, जिसके माँ बाप उसको बहुत ही छोटी उम्र में छोड़ के चले गए थे। वह जंगल में अकेली रहती थी और उसके खाने पीने का प्रबंध जंगल में रहने वाली गिलहरियाँ करती थी। इन 3 दिनों में एनेस्थीसिया ने लेखक को विभिन्न विषय की जानकारी दी, जैसे कि तरह तरह की बागवानी, बच्चों का पालन पोषण, लिंग, आध्यात्मिक और धर्म। और लेखक ने खुद ने इन 3 दिनों में अपने अंदर एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी बदलाव को महसूस किया जो कि पेड़ रिंगिंग सिडार से जुड़े हुए थे। दोस्तों, रिंगिंग सिडार पेड़ साइबेरिया का एक प्रसिद्ध देवदार पेड़ है जो अपनी हीलिंग कैपेसिटी, या ऐसा कह सकते हैं अपनी बीमारियों को दूर करने की सक्षमता और विभिन्न उपयोगिताओं के लिए बहुत मशहूर था, जो हम आगे बात करेंगे। तो लेखक ने इन सब बातों को एनेस्थीसिया से ग्रहण करने के बाद एनेस्थीसिया की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी व्यवसाय की स्तर को आधे में छोड़ दिया और मॉस्को की तरफ एक गरीबी की हालत में रवाना हुए। गरीबी इसलिए क्योंकि उनको अपनी व्यवसायिक यात्रा को अधूरे में छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उनको एक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसको नज़रअंदाज करते हुए लेखक मॉस्को में जाकर अपनी इस व्यवसायिक यात्रा को एक किताब का रूप दिया, जिसका नाम उन्होंने एनेस्थीसिया रखा, जैसा कि उन्होंने एनेस्थीसिया से वादा किया था। इस तरह एनेस्थीसिया का सपना पूरा हुआ। एनेस्थीसिया का सपना इसलिए दोस्तों क्योंकि यह एनेस्थीसिया का ही सपना था कि उसकी सारी जानकारी लेखक द्वारा और इस किताब के द्वारा हम जैसे आम लोगों तक पहुँचे, जिससे कि हम लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़ सकें और उसकी उपयोगिता को समझ सकें। और यह किताब उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बिकने वाली ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब थी। यह किताब करोड़ों दिनों को छूने की क्षमता रखती है। यह बात खुद एनेस्थीसिया और लेखक ने इस किताब में कहा है कि यह किताब सबके दिलों में राज करने वाली किताबों में से एक किताब है। यह हमें आज तक के खतों में से आने से पता चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।